आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसान का आप ई केवाईसी करते हैं तब आपका मोर्फो वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर मोर्फो सेटिंग नहीं है या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में पहले से ही मोर्फो इंस्टॉल है पर वो आप ई केवाईसी करते समय आपका वर्क नहीं कर रहा है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपका मोर्फो ड्राइवर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, साथ में कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप CSE हेल्प डेस्क चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप किसान की ई केवाईसी करते हैं तो यहाँ पे आपका मोर्फो का काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको जो स्टेप फॉलो करनी है, आपको अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है और आपको सर्च बार में कंट्रोल पैनल को सर्च कर लेना है। कंट्रोल पैनल को सर्च करने के बाद कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोग्राम एंड फ्यूचर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके सिस्टम के अंदर मोर्फो डिवाइस इंस्टॉल है पहले से ही, वो यहाँ पे आपको ड्राइवर देखने को मिलेंगे। सिंपली यहाँ से आपको मोर्फो RD सर्विस ड्राइवर के जो वर्ज़न है आपके इसमें इंस्टॉल है उसको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके जो ड्राइवर हैं मोर्फो ड्राइवर वो अनइंस्टॉल होना स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अनइंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर मोर्फो USB जो भी ड्राइवर इंस्टॉल है मोर्फो USB का उसको भी यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, सेकेंड वाला स्टेप चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे प्रॉपर तरीके से आपके ड्राइवर अनइंस्टॉल हो जाएंगे। उसी तरीके से आपको माई कंप्यूटर सी ड्राइव को ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम माई कंप्यूटर सी ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मोर्फो के फोल्डर्स पहले से ही बने हुए हैं उन फोल्डर को डिलीट कर देना है। सिंपली आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है आपका मोर्फो सिस्टम से अटैच नहीं रहे। मोर्फो के जितने भी फोल्डर बने हुए हैं सी ड्राइव में इन सभी को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है, फोल्डर एक भी ना रहे। फिर आपको ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है RD सर्विस मोर्फो। सिंपली यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं RD सर्विस मोर्फो और सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद ऊपर में ही आप देखेंगे RD सर्विस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सिंपली आपको फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। RD सर्विस की ऑनलाइन ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपको कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो थर्ड नंबर का ऑप्शन देखेगा विंडो होट लोकल होस्ट। सिंपली थर्ड नंबर के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ड्राइवर जो कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड ड्राइवर को डाउनलोड होने देना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। डाउनलोड होने के बाद राइट क्लिक जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद शो इन फोल्डर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। शो इन फोल्डर के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे जहाँ पे भी आपका ड्राइवर डाउनलोड है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ से आपको एक्स्ट्रा फाइल कर लेना है। राइट क्लिक करके एक्स्ट्रा फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो रार फाइल है वो यहाँ पर फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर हमने कर लिया है, यहाँ पर हमारी जो रार फाइल है वो यहाँ पर फोल्डर में कन्वर्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फोल्डर में यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद इस फोल्डर्स को आपको ओपन करना है। जो आपने फोल्डर कन्वर्ट किया है उस फोल्डर को आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे मोर्फो ड्राइवर का जो ड्राइवर आपको देखने को मिलेगा इसको यहाँ से आपको राइट क्लिक करके रन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम रन कर लेते हैं। रन करने के बाद जो मोर्फो ड्राइवर हैं वो यहाँ पर रन होना, मतलब यहाँ पे जो ड्राइवर हैं वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना आपके लैपटॉप व सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो मोर्फो RD सर्विस ड्राइवर है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सही तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कम से कम 1 से 2 मिनट इसको इंस्टॉलेशन होने देना है। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा।
पूरी तरीके से इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर का ऑप्शन करना है, नो आई विल रीस्टार्ट और फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका लैपटॉप रीस्टार्ट नहीं होगा। सिंपली यहाँ पे थर्ड स्टेप आपको फॉलो करना है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है सर्विस, और सर्विस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सर्विस के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोर्फो आरडी सर्विस को रीस्टार्ट कर लेना है। मोर्फो आरडी सर्विस के ऑप्शन पे आप जाएंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करके या कॉर्नर से आप रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको अपने सिस्टम के अंदर मोर्फो को अटैच कर लेना है। आपको मोर्फो जैसे ही आप अपने सिस्टम में अटैच करेंगे, यहाँ पे आपका मोर्फो ड्राइवर इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको एक पॉपअप शो होगा, जैसा कि सक्सेसफुली का पॉपअप शो होने के बाद आप कैप्चर फॉर EKYC मोर्फो डिवाइस के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, मोर्फो की लाइट चल जाएगी और आप किसान का फिंगरप्रिंट जब अटैच करेंगे तब आप देखेंगे तो यहाँ पे सेव सक्सेसफुल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी मोर्फो की लाइट चल गई है और हमने किसान का फिंगरप्रिंट लगाया है, तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल कैप्चर हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस स्टेप को फॉलो करके अपने सिस्टम के अंदर मोर्फो ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मोर्फो के ड्राइवर पहले से ही है तो उनको अनइंस्टॉल करके नए ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पहले से ही इंस्टॉल नहीं है तो आप, मैंने आपको जो प्रोसेस बताया है, नया ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद उस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।